दिल्ली के विजय चौक पर हुई बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हुए शामिल। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन पहले हुई खत्म, वहीं राहुल ने श्रीनगर के लाल चौक में फहराया तिरंगा। अखिलेश यादव की नई टीम घोषित, शिवपाल, स्वामी प्रसाद, आजम खान सहित 14 लोग बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तेज भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही भूकंप की तीव्रता। गुजरात में पेपर लीक को लेकर सीएम गहलोत का बयान, समस्या गंभीर, सभी सरकारों को व्यापक हल निकालने पर करना होगा विचार। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर, 77 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा, अब तक 312 ब्लॉक अध्यक्षों की हो चुकी है नियुक्ति। भरतपुर में वायुसेना के विमान के क्रैश होने का मामला, मलबे को ट्रकों में भरकर ले जाया गया ग्वालियर एयरबेस। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती परीक्षा, 28 जिलों में 2 पारियों में हुआ आयोजन, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। राजस्थान में जयपुर समेत कई शहरों में बारिश, 23 जिलों में जारी किया गया अलर्ट। जयपुर में 14वीं जयपुर मैराथन की तैयारियां तेज, मैराथन के चलते आज वर्ल्ड ट्रेड पार्क पर टॉर्च सेरेमनी का आयोजन किया गया। कोटा रामगंज मंडी के निनामा दुनिया लाइमस्टोन ब्लॉक की सफल नीलामी, सरकार को 50 साल में मिलेंगे 9,981 करोड़ रुपए। बीकानेर में ज्वेलरी शॉप पर लूट का प्रयास, बदमाशों ने मिर्ची डालकर किया लूट का प्रयास, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जयपुर के सिंधी कैंप थाना इलाके में थाली हाउस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला है सामने, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गंगापुर सिटी में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवरों पर किया हादसा। सिरोही के शिवगंज में निजी ट्रेवल्स की बस पलटी, हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए। धौलपुर के सरमथुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में युवक की मौत। 12 में रीट परीक्षा से वंचित रहे अभ्यर्थियों का छलका दर्द, देरी से आने के कारण नहीं मिला परीक्षा केंद्र पर प्रवेश। झालावाड़ में झालरापाटन में 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 1 महिला की मौत, 5 लोग घायल। झालावाड़ में संदिग्ध अवस्था में मिला अधेड़ का शव, कुत्तों ने नोच डाला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू के पिलानी में कॉटन मिल में घुसकर दिनदहाड़े लूट की वारदात, पिस्टल के नोक पर की तकरीबन 8 लाख की लूट। किशनगढ़ में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10 छात्र 14 दिन के लिए निष्कासित, छात्रों पर विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखने का लगा आरोप। कोटा में हॉस्टल की बालकनी से छात्र ने लगाई छलांग, गंभीर हालत में छात्र को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। सिरोही जिले में भी बेमौसम बारिश का दौर जारी, रेवदर कस्बे में 2 स्थानों पर गिरी बिजली, बिजली गिरने से युवक हुआ घायल। लेक सिटी उदयपुर में देखा हिमाचल जैसा नजारा, ग्रामीण इलाकों में जमकर गिरे ओले। कोटामन सिटी में कल से होगी ब्लड सेंटर की शुरुआत, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी करेंगे शुभारंभ। राष्ट्रपति भवन में रखी गई पठान की स्पेशल स्क्रीनिंग, पूर्व राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी ने दी जानकारी। फिल्म पठान का धमाल जारी, सिर्फ 4 दिन में पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा, केजीएफ 2 बाहुबली 2 को पीछे छोड़ा। केजीएफ स्टार यश ने किया ऋतिक को रिप्लेस, नितेश तिवारी की रामायण में अब रावण के रोल में आएंगे नजर यश। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए अनु कपूर, सीने में दर्द की शिकायत की वजह से बिगड़ी थी तबीयत। नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर रचा इतिहास, ग्रीस के सिद्धपिटास को सीधे सेट में हराया।